जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। अब जैसा कि हम आपने देखा कि हम श्री जिना कॉलोनी में इवेंट्स की कवरेज की और दोबारा हम आए हैं रत्नेश्वर महादेव शंकर भोलेनाथ के यहाँ गणपति गणेश के अवसर पे। तो यहाँ पर आपको कवरेज दिखाएंगे, तो जुड़े रहिएगा। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। लता जी आप बताइए। बस ऐसे ही देखते रहना हमारे चैनल और सब्सक्राइब कमेंट करना। बस अभी बहुत थक गए अभी, और अभी आपको बाकी दिखाते हैं। आप लोग बहुत ये प्रोग्राम को आपको बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और रात के 11 बजे हम यहाँ आए दोबारा, और अभी जाते हैं आप लोग को दिखाते हैं भगवानों की लीला दिखाते हैं, कृष्णा भगवान की, राधा मैया की, बस आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे हमारी वीडियो देखा करो और हमें सब्सक्राइब कमेंट किया करो। जय श्री राम। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। सिविजन जो की जाएगी गणपति गणेश महाराज जी की एक विग्रह है, वो सिविजन होगी और एक मंदिर में रहेगी। तो आप देखेंगे कि आप हम इसको सिविजन भी करते हुए दिखाएंगे। तो लता जी क्या कहेंगे आप, कैसा होने वाला आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होने वाला है, और आप लोग को बहुत आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। बस सब्सक्राइब कमेंट करना। जय श्री राम। तो और मेरी आंखें अभी तक दर्द हो रही है, मैं क्या करूं। प्रोग्राम में आए हुए फिर भी हम प्रोग्राम में आए हुए जय शंकर। चले देखिए, देते रहिएगा वीडियो को, एंड तक लाजमी देखना है आपको, और बहुत आनंद आने वाला है आप लोगों को कि आज का जागरण देख के। तो छुड़े रहिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप लोगों का। आज हमें बड़ी खुशी, आज पूरी रात जागने की है, आज हमें बहुत बड़ा जश्न बनाएंगे। और गणपति बापा हर साल ऐसे ही सजे हुए मिलते हैं हमें, और हमें जल्दी जल्दी साल में आते हैं। गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पार्वती जय, सीता मंगल, जय श्री राम, जय सन मुखियाई। पार्वती जब सीता मंगल, प्रभु श्री महिमा के गुण गाया, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। आज हमारे साथ महाराष्ट्र कौम के ये मेंबर है राजेश भाई, और इनकी कम्युनिटी जो है आज गणपति गणेश का और सब बड़े धूमधाम से रत्नेश्वर महादेव शंकर भोलेनाथ मंदिर के अंदर क्लिफ्टिन पे मना रहे हैं। और आज का पूरी रात का जागराता चलेगा यहाँ, और कल सिविजन के लिए फिर ये नेटी जेटी वहाँ लेकर आएंगे। आज राजेश भाई से पूछेंगे कि इनकी कम्युनिटी कितने सालों से ये प्रोग्राम करा रही है, और इस प्रोग्राम को कराने के लिए इनके साथ कितनी फैमिलीज जुड़ती हैं, कितनी इनके मेंबर्स हैं। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। ऐसा है कि ये जो गणपति का उत्सव है पाकिस्तान कराची शहर के अंदर श्री महाराष्ट्र पंचायत के लोग ही करते आ रहे हैं। कृष्णन नाइक होते थे, जो उनकी डेथ हो गई वो मनाते थे, रामस्वामी से वो उठाते थे। उस जमाने में 7 दिन तक गणपति होता था, 7 दिन के बाद उसका विसर्जन होता था। लेकिन आजकल के दौर में हालात ऐसे है, एक वक्त ऐसा है कि किसी के पास टाइम नहीं है। अब इनका बेटा बनाता है राजेश नाइक, जो पन्नापल में बनाता है, और हमारे कम्युनिटी के तकरीबन 70 से 80 घर है मराठी जमात के। कराची में कम क्वान्टिटी है हमारी, यहाँ पर 80 घर 70 के करीब है। तो हम मिलजुल के आपस में ये चंदा करके और एक दूसरे से कोऑपरेट करके ये जन्म
गणपति बाबा का प्रोग्राम जो है बड़े धूमधाम से और बड़ी खुशी से और जोश व फरोख से मनाते हैं इस मुल्क के अंदर। और भगवान की बड़ी कृपा है कि कभी हमें कोई तंगी नहीं हुई, कोई सा मसला नहीं हुआ है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं राजेश भाई, आप लोग जो ये गणपति भगवान जो बनवाते हैं ये कितने दिन से आपके घर में पड़ा और कब से तैयारी शुरू करते हैं आप लोग? ऐसा है कि जब श्रावण का ये पावन महीना जब शुरू होता है तो जब से ही हम ये गणपति की जो है सपना चढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब से हम थोड़ा थोड़ा करके जो है 15 दिन में 20 दिन में हमने इस बार हमने 3 गणपति बनाए हैं। एक जमात का था, 2 गणपति अलग थे जो एक सक्कर गया और एक हमारे जो मराठी कमेटी की उनका अपना पर्सनल था जो मन्नत के हिसाब से था। तो तकरीबन हमारा इसमें 28 दिन के अंदर टोटल कम्प्लीट हो गया था रंग वंग डेकोरेशन के साथ। इतने दिन मैक्सिमम लग जाते हैं और हम जो ये गणपति जो है चिकनी मिट्टी का बनाते आ रहे हैं, गोबर और चिकनी मिट्टी। बहुत से लोग ऐसा है कि प्लास्टर पेरिस और वाइट सीमेंट मिला के जो बनाते हैं उसका ये होता है कि उसमें जल्दी वो घुलता नहीं है पानी के अंदर। हम उसका विसर्जन करते हैं, चिकनी मिट्टी ऐसी है कि जिससे हम उसको बनाते हैं और जो हम उसका विसर्जन करते हैं दरिया में तो चंद मिनटों में या चंद घंटों के अंदर जो वो पानी के अंदर मेल्ट हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर बात की कि इन्होंने जो गोबर और चिकनी मिट्टी के साथ गणपति गणेश बनाते हैं ताकि जब हम विसर्जन करते हैं तो वो मिट्टी जो है मिल जाती है पानी के साथ और वो बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं कि वो पवन हो जाता है। और गणपति गणेश महाराज का ये सब हम आपको दिखाएंगे, अंदर चलिए लता जी से ही पूछेंगे कि आज आपको कैसा लग रहा है। लता जी थोड़ा सा बताइए हमें। मुझे तो ऐसे ही मंदिर में बहुत अच्छा लगता है और आज इस मंदिर में भी बहुत आपको अच्छा लगने वाला है और चले हमारे साथ देखना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जय श्री राम। तो आइए आपको दिखाते हैं, जय श्री गणेश। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय गणेश। हाँ जी, मेरी सब्सक्राइबर है, कुछ बोलो आप। अरे बोला नहीं, कैसा लग रहा आपको? क्या बोलो, गणेश मंदिर में आए पूजा में कैसा लग रहा? हाँ गणपति, हम लोग गणपति बाबा भोलेनाथ के मंदिर में आए और गणपति की पूजा पत्र हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत कामदान से गाने बजाने सब हो रहे और बहुत अच्छा, बहुत खुशी का काम है, अच्छा लगा हम लोग को। पाकिस्तान जिंदाबाद। गणपति के उत्सव हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा होता है, बहुत गाना भजन सब प्रोग्राम अच्छा होता है। मैंने आप लोग की पूरी यात्रा देखी है, आप इंडिया गए थे, हमने टीवी पे पूरी यात्रा देखी, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी कभी जाएंगे तो हमें भी याद करना, हम भी आपके साथ यात्रा करेंगे। बस मुझे इंडिया का बोल रहे, बस जल्दी जल्दी कमेंट सब्सक्राइब, मुझे जल्दी जल्दी बड़े बड़े कमेंट भेजो, मैं सबको इंडिया लेके आऊं। ठीक है, जय श्री राम। गणेश उत्सव हम बहुत जोरदार और बहुत खूबसूरत से मनाते हैं, पूरे उत्सव से मनाते हैं। हमेशा गणपति बाबा को हम लेके आते हैं पूजा आरती और बच्चों के लिए ताबलो, जिससे भगवान भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। जय गणेश। थैंक यू, थैंक यू। मान लो, भगवान जगा
में नहीं, मेरा जग में नहीं कोई तेरे सिवा वहाँ सती के पति। मेरी सुनो वंदना। महाराष्ट्र कौम की हमारे पास संजय भाई और कोकिला बहन हमारे साथ मौजूद है, तो आज के इवेंट के हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि आज का जो इवेंट है भव्य तरीके से रखा गया है महाराष्ट्र कौम ने, तो अपनी महाराष्ट्र जबान में हमें ये बताएं कि आज के प्रोग्राम के बारे में। हम चाहता गणपति बापा ये तो हमी लई खुशी न तेजी पूजा पाठ करते चांगले बनी रहते और सगला करुण लेकर बाला घेन हमी ये लेकर आई पोरी आई उपास होते उपास खोलते इतना सगला का करते लेकी और लई हमें आनंद न रहते आनंद हमारा इतना बड़ा वाड़ो पूजा पाठ करायला हमें सारी रात बसतो इतना हसीन खेलू बसते लेकर चांगले वाणी जाते इतना का हमारा कराची में कोई तकलीफ नहीं हमारा का ही नहीं हमें चांगले वाणी बस ये जी पूजा पाठ करते गणपति बापा जैसे है तो हमी तेजी वाड़ भक्तो कवा है तो गणपति बापा मग तेजी हमें पूजा पाठ करू सनी तुम भी आशीर्वाद रहा हम गणपति बापा आशीर्वाद रहा हमसे और लहन मोटे हमसे डोक्ष और हमारा बस चांगले वाणी ये रहो। हाँ थैंक यू सो मच। तो भाई संजय भाई से भी पूछेंगे, थोड़ा सा संजय भाई भी बता दे आज। नमस्कार, इतना चांगला थे गणपति जी विसर्जन रातो हम लोग क्या भाव लोग टूटे जाति वाले टूटे लई चांगला करते प्रोग्राम तो सकले लेते लेकर वाले लेते भाई को आई भाई सकले लेते समझे यौन करते पूजा पाठ करते सकाली जाते कब आते रांची भी रहते थे नहीं तो सकाली जाते नहीं तो हम लोग जाते नेटी जेटी लेते चक्का हम लोग का ब्याह नहीं चांगला ही हम लोग हाई पाकिस्तान मध्य चांगला ही चांगला हम लोग क्या काम हो तो पाकिस्तान मध्य लई चांगला हो तो सगले भक्त ये समझे ये मंदिर भरून जातो चांगले वाले देवाचे काम होता हम इकड़े सगले बगायला तो तिथे भी मंदिर मध्य भी नाच गाना करते डांडिया खेलते पोरगी लई चांगला विजयसन रहो हम लोग तो चांगला काम है हम चा तो थैंक यू पाकिस्तान थैंक यू। चले तो आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा चले आगे बढ़ाते जय श्री चले जय श्री राम। हमारे साथ सागर भाई मौजूद है ये भी महाराष्ट्र कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं तो आज इनके इनसे ही पूछेंगे कि आज के प्रोग्राम के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम सागर है तो आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है सब कुछ आपके सामने ही है सेटअप सारी चीजें सबने बहुत मेहनत करी है महाराष्ट्र पंचायत की तरफ से तो माशाल्लाह से सब कुछ भगवान की कृपा से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और आगे भी बहुत अच्छा होगा और आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप ऐसे हमारी बात फैला रहे हैं और हम ये तकरीबन मेरा दादा बनाता था तकरीबन मुझे याद नहीं कि कितने साल से लेकिन ये हमें तकरीबन 20-25 साल हो गए। सबसे पहले हमारा घर था नाइक फैमिली जो पूरी कराची शहर में नाइक फैमिली के घर से गणेश भगवान निकलना स्टार्ट हुआ था और हमारे घर पे बनता था तो तकरीबन हम लोग 25 साल से भी ऊपर हो गए शायद तो हम काम कर रहे हैं तो 25 साल से ये हर साल आप लोग इसी तरीके से जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ये फिर हमारी जमात का होता है बिल्कुल ये हमारी जमात का शुरू से ही बन रहा है इससे भी ज्यादा टाइम शायद हो चुका है मुझे जहाँ तक अंदाजा है तो 20-25 साल से ज्यादा हो चुका है। आप ये बताइए कितने साल कितने दिन पहले आप ये तैयारी शुरू करते हैं? हम तो ये 15-20 दिन पहले ही तैयारियां शुरू करते थे क्योंकि हमें गणपति बनाने होते हैं घर में फिर उसके बाद और भी काम होते हैं तो सब चीजों को देख के टाइम मैनेज करके इसके अंदर क्या सामग्री आप इस्तेमाल करते हैं जब गणपति गणेश महाराज की को बनाते हैं तो सामग्री क्या इस्तेमाल करते हैं? चिकनी चिकनी मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है फिर वो पेंट होता है सारा पेंटिंग वगैरह करना बिल्कुल 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 ऐसे ही फिर जो मेरा चाचा है पहले मेरा दादा बनाता था फिर मेरा एक चाचा बनाता था दूसरा उनका इंतकाल हो गया तो अब मेरे दूसरे वाले चाचा राजेश भाई तो वो अभी तकरीबन 4-5 साल से वो कर रहे हैं सब। देखा आपने कि ये जो 25-30 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इनके घर में गणपति गणेश महाराज जी को बनाया जाता है 15 दिन पहले से इन लोग प्रोग्राम करते हैं और फिर ये बना के यहाँ पर पहले भंडारा प्रसाद किया जाता है उसके बाद नायक से जो है सिविजन करने के लिए नेटी जेटी लेके जाएंगे तो जुड़े रहिएगा आपको दिखाएंगे हम नेटी जेटी में किस तरीके से सिविजन किया जाता है तो इंतजार कीजिएगा। तो जय श्री राम जय बजरंग बली हर हर महादेव जय श्री राम। हमारे साथ गणेश भाई मौजूद है गणेश भाई से पूछेंगे आज का जो प्रोग्राम चल रहा है ये महाराष्ट्र कौम ने कराया और बहुत अच्छा प्रोग्राम है हर साल ये इवेंट कराते हैं और फिर ये पहले दिन जागरण कराते हैं प्रसादी भंडारा चलाते हैं उसके बाद नेक्स्ट है ये सिविजन करने के लिए लेके जाएंगे नेटी जेटी तो थोड़ा गणेश भाई से पूछेंगे कि बताएं किस तरीके से ये कितने साल से हो रहा है
और इसके अंदर कितनी तैयारी में कितना टाइम लगता है? सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और आप लोग आज इतने बड़े इवेंट में आए हैं गणपति का त्यौहार मनाने के लिए, और आप लोग जानते हैं ये गणपति का त्यौहार जो है साल में एक मरतबा आता है, और इसको अपने तैयारी के लिए जो है हमारे को तकरीबन 15 दिन चाहिए, और उनका मूर्ति बनाना, उनके साथ जो है उनके सामग्री देना है, और पूजा पाठ का सामान वगैरह जिसमें मोदक है और लड्डू है और ये सारी चीजें हम देते हैं। तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी जानकर कि इतना बड़ा काम है आप लोग कवरेज करते हैं, और पाकिस्तान का भी शुक्र अदा करते हैं जो हमारे को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, जय माता दी। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि रवि चैनल को सब्सक्राइबर करें। जय श्री राम। आइए आपको दिखाते हैं कि भंडारा प्रसाद किस तरीके से चल रहा है। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, भव्य तरीके से। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे सेवादारी भक्त है जो सेवा कर रहे हैं आज भंडारे प्रसाद की। तो आप देख सकते हैं चावल का भंडारा है, और क्या क्या है भंडारे में महाराज? कड़ी है, कड़ी भंडारे में, कड़ी और चावल, और हमारे भाई भी लगे हुए। देखिए आपको दिखाते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं आज का भंडारा कैसा रहा? आज का भंडारा बहुत वीआईपी। अच्छा, कितने क्राउड होगा तकरीबन आज अपने पास? क्राउड तो बिल्कुल अच्छा खासा था, आपके सामने है सब कुछ। बाकी भंडारा प्रसाद बहुत अच्छा बना, लोगों ने दिल से खाया, दिल से लोग बैठे हुए उनसे पूछ ले। और ये हमारे सेवादारी है रत्नेश्वर महादेव शंकर भोलेनाथ के, तो अति सुंदर सेवा में वैसा जुड़े रहते हैं। आप देखते रहते होंगे जब भी हम रत्नेश्वर महादेव कट बनाते हैं तो ये सेवादारी आपको नजर आते हैं। बाकी भंडारा प्रसाद नीचे खा रहे हैं, तो जुड़े रहिए, दिखाते हैं आपको। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। हमारे साथ हमारी एक बहन मौजूद है, हम अपनी बहन से पूछेंगे कि आज का भंडारा इन्हें कैसा लग रहा है? भंडारा तो बहुत मजे का है, सिंधी कड़ी है, चावल है, भंडारा तो बहुत मजे का बनता है यहाँ पे। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत आनंद आ रहा है खाने से। आप देख सकते हैं कि जब आनंद आ जाए भोजन में तो बात ही खत्म हो जाती है। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की, जो सो रहे हैं उसको जगा दे। बोल विश्वनाथ भगवान की, आवाज में दम नहीं है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। एक दो तीन चार, हाँ आप लग रहा आप जान रहे हैं। तो आज की ये जो प्ले है, लीला जो है वो गोपेश्वर महादेव की, इसकी तैयारी विजय भाई पटियाल और उनकी पूरी टीम ने की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके जो आज के कोऑर्डिनेटर हैं उनको, वो आकर के आपको थोड़ा सा उसके बारे में बीच बीच में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो प्ले आप देखें उसके विषय में आपको जानकारी मिल सके कि ये क्या लीला है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों में ध्रुव प्रभु को इनवाइट करूंगा, वे आए और माइक को संभालें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आए हुए सभी भक्तों और माताओं के चरणों में प्रणाम, और आप सभी को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो टैबलो है आप देखेंगे अभी गोपेश्वर महादेव का टैबलो का हमारा हमेशा उद्देश्य यही होता है, हमारा एम ये होता है कि किसी ना किसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाया जाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और मनोरंजन, नहीं, शास्त्रों का मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए। तो महादेव जी भगवान के बहुत ही बड़े और प्रेमी वैष्णव परम भक्त हैं। तो एक बार क्या होता है कि निधिवन वृंदावन के अंदर हर शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं, उसे कहा जाता है महारास लीला। क्या कहा जाता है? महारास लीला कहा जाता है। तो एक बार क्या होता है कि महादेव जी जब भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो उन्हें किसका दर्शन होता है? महादेव जी को उसी रास लीला का दर्शन होता है। तो महादेव जी उस लीला का दर्शन करते करते इतने विभोर हो जाते हैं कि प्रेम के अंदर आकर विभोर होकर के महादेव, हमने देखा हमेशा महादेव क्रोध में तांडव करते हैं, लेकिन उस लीला का दर्शन करके महादेव इतने गदगद हो गए थे कि खुशी के मारे वो नाचने लग गए थे कैलाश पर माता पार्वती के साथ। और उसके बाद उनसे वो प्रेम, वो लीला का दर्शन संभाला नहीं गया, और उनका ऐसा मन हुआ कि काश मैं भी गोपी होता और मैं भी वृंदावन जाकर भगवान के साथ रास लीला का जो है खेलता।
क्योंकि वृंदावन के अंदर निधिवन के अंदर रासलीला होती है और निधिवन के निकुंजों में पुरुषों का जाना वर्जित है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ राधा रानी गोपियां होती है और एक ही पुरुष होता है और वो होते हैं श्री कृष्णचंद्र। तो महादेव जी का ऐसा मन हुआ कि मैं तो पुरुष हूँ लेकिन मैं वहां जा नहीं सकता, तो काश मैं गोपी बन जाऊं और गोपी बन करके भगवान के रासलीला में जाऊं और फिर मैं वहां जाके रासलीला का आनंद लूं। तो ये जो पूरा जो स्टोरी है कि महादेव जी का मन कैसे हुआ गोपी बनने का, फिर कैसे महादेव जी गोपी बन गए और किस तरह से रासलीला में पहुंचे और आज तक महादेव गोपी स्वरूप में वृंदावन में विराजमान है, जिसका नाम है गोपेश्वर महादेव। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। गोपेश्वर महादेव की जो लीला है आज आपके सामने यहाँ प्रस्तुत की जाएगी, तो जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए छोटे छोटे बच्चों का। हरे कृष्ण। प्रणाम महादेव, लगता है आज तो महादेव किसी अति प्रिय भक्त का स्मरण करके हर्षित हो रहे हैं। हमें भी तो भान हो कि कौन है वो महाविभूति जिसका स्मरण कर स्वयं महादेव प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं गौरी, आज किसी भक्त का नहीं बल्कि आज भगवान का स्मरण कर ये हृदय हर्ष और उल्लास से विभोर हो रहा है। भगवान, मैं समझी नहीं प्रभु, मेरे भगवान तो आप हैं, तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ गौरी, परंतु मेरे आराध्य तो व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र एवं निकुंज सेवनी श्री राधिका है। आज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि के अवसर पर व्रजभूमि वृंदावन में निधिवन के निकुंजों में प्रिया प्रियतम तथा व्रज गोपिकाओं से सुशोभित महारास लीला में परम आनंद का अनुभव करने का मन करता है। परंतु स्वामी, निधिवन के निकुंजों में तो पुरुषों का जाना वर्जित है, अर्थात महारास लीला में केवल व्रज गोपिकाओं को ही प्रवेश प्राप्त है, तो फिर आप वहाँ कैसे? मैं कैसे जाऊँगा? यही ना देवी, जब आप कह ही रही हैं कि वहाँ केवल गोपियों को प्रवेश प्राप्त है, तो निसंदेह अपने प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हम भी गोपी बनकर महाराज लीला में जाएंगे। इस तरह महादेव माता पार्वती को ब्रजभूमि वृंदावन में हो रही महाराज लीला के बारे में बताते हैं, उसकी महिमा बताते हैं और फिर वहां से महादेव वृंदावन की ओर चले जाते हैं। क्या करने के लिए? महाराज लीला में प्रवेश करने के लिए। आइए देखते हैं कि उस रासलीला में महादेव जी को किस प्रकार प्रवेश मिलता है और वो कैसे वहां घुसते हैं, क्योंकि वहां जाना तो पुरुषों का वर्जित है, मना है वहां पर। Thank you.
यहाँ क्षमा प्रभु क्षमा महारानी आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर इस जुगल जोड़ी का दर्शन और इस महारास लीला में आपके साथ नृत्य करने का उत्साह मुझसे संभल नहीं पाया, अंततः मैं गोपी बन यहाँ उपस्थित हूँ। बलिहार बलिहार महारास लीला में आपका स्वागत है महादेव। परंतु निकुंज सेवनी तो ऋषभानु नंदिनी है, मैं तो खुद इन्हीं की आज्ञा से इस रासलीला में उपस्थित हूँ। हाँ, यदि प्रिया जी चाहे तो आपको भी इस महारासलीला में भाग मिल सकता है। नहीं नहीं महादेव, आप तो परम वैष्णव हैं, आपकी कृपा के बिना कोई कैसे राधा कृष्णा की सेवा प्राप्त कर सकता है। आप तो रासलीला में प्रवेश के प्रथम अधिकारी हैं, आपको किसी की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रज गोपियों सहित कृति कुमारी का प्रणाम स्वीकार करें महादेव। मैं आपको वरदान देती हूँ कि आज से आप वृंदावन में निधिवन के निकट ही गोपी स्वरूप में विराजमान रहेंगे एवं श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाएंगे। तथास्तु। श्री गोपेश्वर महादेव की श्री रास पूर्णिमा महाउत्सव की श्री राधा रास बिहारी भगवान की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की। तो इसके बाद श्रीमती राधा रानी द्वारा महादेव जी को वरदान मिलता है कि वो सदैव गोपेश्वर स्वरूप में वृंदावन में विराजमान है। गण गण गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। बोलो गणपति बापा की। हर महादेव। प्रेम बहुत बड़े सुंदर भक्त है महादेव के, सुबह उठते भगवान के दर्शन करते और रात को जब सोते हैं तो भी महादेव के दर्शन करते हैं और यही मंदिर में रहते हैं। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।
जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आपने भी जो आप प्रोग्राम देखा, ऊपर डायरेक्शन की विजय भाई ने, और उनके जो सपुत्र है वो महादेव शंकर भोलेनाथ के, आपने देखा होगा गेटअप्स में, और ये बचपन से करते आ रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत है। आपने आप जब देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम पूछेंगे कि इस इवेंट्स की तैयारी में इनको कितना टाइम दिया गया और कितने टाइम में सारी तैयारी मुकम्मल की गई? हरे कृष्णा प्रभु, बात ऐसी है कि तकरीबन 20 से 22 साल का अर्सा हो गया मुझे इस फील्ड में, और भगवान की विशेष कृपा रही है मेरे ऊपर। गेटअप के हवाले से पूरे पाकिस्तान में कोई भी मतलब ऐसा एरिया नहीं है जहां पर मैंने टेबलो प्रोग्राम ना किया हो। जो मुझसे हो सकता है सेवा कर रहा हूं, मेरे साथ मेरी टीम पूरी है। टीम में सिर्फ मेरी बहन के बच्चे हैं और इनकी माँ का नाम है मीरा, ये मेरी बहन है। ये मेरी बहन के बच्चे हैं जो मेरे साथ सहयोग करते हैं। ये इतने छोटे छोटे थे जब से मैंने इस फील्ड में इनको डाला है, और तब से ही ये मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये गणेश उत्सव का प्रोग्राम ये हम लोग सालों साल से करते हैं। पिछले साल किया था तो पिछले साल ही हमें बोल दिया कि आप अगले साल के लिए रेडी रहना। उससे पिछले साल किया था तो तब भी बोल दिया था अगले साल के लिए रेडी, और उससे पिछले साल भी, मतलब 5-6-7 आलू इनके साथ हो गए मुझे जुड़े हुए। हाँ, फीस है मेरी इस काम की, मैं फीस लेता हूँ। उसकी वजह ये महंगाई बहुत है, सामान बहुत महंगा है, सब चीजें परचेस करनी पड़ती है। जब आदमी कोई काम करता है तो उसमें पैसे लगते हैं, तो फीस लेता हूँ और काम करता हूँ, सेवा करता हूँ। और भगवान का मैं कहता हूँ कि जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, लता रवि चैनल, खासतौर पे माता जी और भाई साहब, इनके साथ बहुत अच्छा संबंध है मेरा, और हमेशा जो है ये अच्छे से मिलते हैं। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपका सब्सक्राइब भी हूँ मैं, हमेशा आपके चैनल को लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब भी करता हूँ, बेल भी दबाता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। हरे कृष्णा, कहने में कोई गलती हो तो क्षमा। तो ये थे विजय भाई, और बहुत अच्छा लगा हमें, और हमारे साथ अभी महादेव जी भी मौजूद हैं और लता जी कुछ कहना चाह रही हैं, तो सुन लेते हैं इनकी। और ये भी हमारे सब मारवाड़ी लोग हैं, अब मैं भी मारवाड़ी हूँ। आप लोग कमेंट में बोलते रहते ना आपकी जात बताए जात, तो मैं मारवाड़ी हूँ और ये सब मेरे मारवाड़ी भाई है, समझो ये हमारे ही बच्चे है। और हमें बहुत अच्छा लगा आज इनका देख के, मैं तो दीवानी हो गई बहुत। मैंने इनका डांस, महादेव को देखो, अभी कृष्णा भी आया हमारे। कृष्णा, मैं जो नींदमणि बोलती हूँ, मेरे नींदमणि की जवानी देखो, मेरे नींदमणि जवान हो गए, मम्मा के पास खड़े और आपको बताया, मेरे नींदमणि हो आप जी। बिल्कुल हूँ, अगर आप मुझे वो समझते तो मैं आपके लिए कोई मेरे नींदमणि कितने बड़े हो गए। इतनी अच्छी सुंदर इन्होंने परफॉर्मेंस की, अभी बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस थी, जिसके वो शब्द नहीं है मेरे पास। तो इतनी अच्छी तैयारी और इतने अच्छे परफॉर्म करने पे मैं इनको, इनकी पूरी टीम को अपने तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और खास तौर पे विजय भाई जो कहते हैं कि भांजे ये मामा है, भांजे हैं, और इतना प्यार और प्रेम है मामा भांजा में, भगवान ऐसा सदा बरकरार रखे, और इसी तरीके से अपनी टीम के साथ हमेशा जुड़े रहें और अच्छे से अच्छे से सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहें। हरे कृष्णा, आपके चैनल के द्वारा जो है मैं इन बच्चों को जो है अप्रिशिएट करता हूँ। बस मैं क्या बताऊँ कि जितना कोऑपरेट ये मेरे साथ करते हैं तो शायद कोई करे। ये बच्चों की बहुत मेहनत है, खासतौर पे ध्रुवदास की बहुत मेहनत है, इनकी लगनी है तो ये काम हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। और थोड़ा सा आप भी बताएं आज की परफॉर्मेंस के बारे में। हम तो समझ रहे थे कि कोई यकीन करें, मैं आखिर तक समझ रहा था कोई लड़की है शायद गेटअप के अंदर, कि कोई लड़की परफॉर्म कर रही है। आपकी कमर में इतनी लचक, आपके कदमों में, आपने पाजे पहनी हुई, बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ा सा आप बताएं कितना टाइम में आपने ये सब सेटिंग जो की, आपने तैयारी की, बहुत अच्छी परफॉर्म की, और मैं चाहता रहूंगा हमेशा इसी तरह परफॉर्म करते रहे, थोड़ा सा आपने बताया। हरे कृष्णा, इसकी प्रैक्टिस हम काफी दिनों से कर रहे हैं, जिसमें हमें सिखाने में मेरे मामू विजय पिटियार, मेरे बड़े भाई ध्रुवा दास ने हमें बहुत मेहनत से सिखाया है। रात आधी रात तक, फिर सुबह जल्दी उठकर वो प्रैक्टिस करना, इस पूरे कॉस्ट्यूम को रेडी करना, फिर इसके बाद इसमें परफॉर्मेंस करने से पहले रेडी होना, उसमें हम यहाँ शाम 7 बजे से रेडी हो रहे हैं, अभी 12:30 हो रहे, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। और इन सब में हमें ये नहीं कि हम इस सबको एक बहुत अच्छे उत्साह के साथ करते हैं और एक बहुत एनर्जेटिक वे में करते हैं, ताकि लोगों को बहुत अच्छा लगे और लोगों को लगे कि वाकई कोई भगवान सच में कोई लीला करते हैं। वाकई बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस थी, और इसी तरह से परफॉर्म करते रहे, सनातन धर्म का नाम इसी तरीके से बढ़ता रहे। तो जुड़े रहिएगा, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय कृष्ण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि आपने देखा था, हम सबसे पहले यहाँ आए थे, उसके बाद फिर हम गए थे श्री जन कॉलोनी, वहाँ का इवेंट कवर किया, और फिर दोबारा हम यहाँ आए
और अभी तकरीबन रात का 1:30 बज रहा है। आप देखिएगा और हमारा अगर देखें आपको पसंद आए तो कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये सब आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत, एक एक दिन में दो दो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे तो बहुत, मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया भगवानों के साथ भी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को भी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।